परम गंगा अभी न्यूज में है दिस इज अपर सुपर यू डी आई एस ई प्लस रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सो so ये हैं है यदडीज क्वेश्चन आज के सवाल हैं ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक पैरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर कालीमंटन काफी न्यूज में है इट इज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड फिंगर लेक रीजन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट विच स्ट्रेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकैबलरी है प्रसैप्ट मतलब होता है नियम प्रिंसिपल रूल टेनेट अ जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर और थॉट सैम्बलेंस सैम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा आउटवर्ड अपियरेंस और अपरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग डिफिडेंस का मतलब होता है संशय मोडेसिटी और शाईनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डिराइड करना मतलब उपहास करना एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर रिडिक्यूल एडामेंट का मतलब होता है हटी रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वन माइंड सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो So, आज ये सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं आज संडे है तो आज भी आंसर राइटिंग नहीं है हमें रिवीजन और कंसोलिडेशन करना है मटेरियल दिस द हिंदू मार्च दिल्ली संडे सी अभी फिफ्थ ऑफ जून प्रिलिम्स 2022 है और आज है ट्वेंटी देखो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि मार्च में ही हम खुद को एग्जॉस्ट कर लें और अप्रैल और मई जब अपन को पेस पिक करने की बात है तो वी एनर्जी we, we no ऐसा नहीं होना चाहिए इसको स्ट्रैटेजाइज करना भी जरूरी है एंथुजियाज और मोटिवेशन इज गुड इंटेंसिटी इज गुड बट सो इज द ये एग्जाम निकलता है सो वी नीड टू हैव डिसिप्लिन सी वन मंथ में भी अपन ने देखा ऑलमोस्ट नाइंटी फाइव परसेंट स्टूडेंट्स के साथ जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ गूगल मीट सेशन हो गया है गूगल मीट सेशन भी अब ऐसा हो गया है कि वी आर ट्राइंग की लेटेस्ट मीट वंस इन एवरी सेवन डेज बट इसके लिए भी आई विल नीड योर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन वाई बिकॉज एट टाइम्स क्या हो रहा है स्टूडेंट या तो नेटवर्क में एरिया में नहीं है या फिर अवेलेबलिटी नहीं है डेटा पैक खत्म हो गया कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो इस चीज़ में हमें थोड़ा और कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इसमें फेवरेटिज्म आई एम नॉट डूइंग एनी फेवरेटिज्म अब कोई स्टूडेंट है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का मेन्स में अभी जैसे नहीं हुआ उसका उससे बात करना पहले ज़्यादा जरूरी था तो 2023 ऐसे हमें ऐसा ऑफेंड नहीं होना है ओके सेकंड थिंग जीएस एंड क्लास कंटिन्यू रहेगा मंडे से इसको और बेटर वे में कल से अपन प्लान कर रहे हैं जीएस एंड सी दिस विल कंटिन्यू क्विज सेशन टेलीग्राम पे कंटिन्यू है इसको आपको डेली टेन एमसीक्यूज रोज सॉल्व करने हैं आंसर राइटिंग से भी इसको स्टॉप मत करिए हम केवल वो क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो प्रलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है जो बहुत एसेंशियल है जैसे अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर पढ़ा तो डू दिस यू विल ऑल्सो हैव टू पुट सम एफर्ट यहाँ पर मेहनत से हमें इन सब चीज़ों को रेगुलरली पढ़ने की जरूरत है बाकी जो डाउट्स एंड सेशन है उसको मैं स्पीडअप कर रहा हूँ आई टॉक टू यू ये सारे अभी क्लियर होंगे सी एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स लुक ईजी बट इट इज नॉट देट ईजी यू हैव नो आइडिया इन एट हाउ मेनी फ्रेंड्स आई हैव टू फाइट बैटल जस्ट टू मेक दिस हैपन सो देट इज़ वाई आई विल नीड यूर कोऑपरेशन अ लिटिल बिट कोआर्डिनेशन ओके क्योंकि हमारा इन दी एंड क्या है गोल आई विल बी दैट फिफ्थ ऑफ जून और ये प्रायरिटी है हिंदू न्यूज पेपर आज भी सेशन होंगे अगर नहीं अपनी बात हुई है जस्ट पिंग मी इफ आई फॉर गेट पिंग मी अगेन वी विल मीट और ये जो सेशन है नाइन टू मैं ग्यारह दस ग्यारह बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ जस्ट पिंग मी वी विल मीट ओके बट यू हैव टू पिंग मीफ इवन इफ आई फॉर गेट पिंग मी अगेन ओके

अब इनमें जो अवार्ड्स में जो, जो टॉप नेम आए हैं ना हम इनका लिस्ट बाद में देख लेंगे अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का ऐसा आया कि नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट लियंडा पेस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स ऐसे इंपॉर्टेंट जो एथलीट्स अभी न्यूज में हैं स्पोर्ट्स पर्सन उनका जस्ट नाम और उनका स्पोर्ट्स हमें पता होना चाहिए इस लिस्ट को आगे अपन स्पोर्ट्स सेक्शन में देख लेंगे क्योंकि इन स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड मिला है फॉर देयर परफॉर्मेंस देयर अचीवमेंट

तो इंडिया एंड इन जापान इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट कर रहे हैं फाइव ट्रिलियन जापानीज काउंटर पार्ट को जापानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो किशिदा एल के बारे में इन्फॉर्म किया चाइना पी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो एग्रेशन दिखाती है उसके बारे में इन्फॉर्म किया मल्टीपल ट्रांसग्रेशन भी प्रोग्रेस ऑफ द एल एस सी में क्या चल रहा है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ही वुड नीड टू फोकस ऑन दैट इंडिया चाइना रिलेशनशिप के भी जो डेवलपमेंट है वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे बताया गया जैपानीज प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे इन्फॉर्म किया मिस्टर किशिदा एम्फेसाइजेज रशियाज एक्शन मस्ट नॉट बी कॉन्डोन वेल मिस्टर मोदी मेड नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द सिचुएशन तो हमारी पॉलिसी है रशिया को हमने डायरेक्ट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया है ग्रेव डेवलपमेंट है हमें इस बात का एक्नोलॉजमेंट है रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन इज अ ग्रेव डेवलपमेंट दैट शेक्स द फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर फंडामेंटल इंटरनेशनल ऑर्डर रिजोल्यूटली रेस्पॉन्ड टू दिचुएशन वी नीड टू रिजोलूटली रेस्पॉन्ड टू दिचुएशन ये बात भी यहाँ पे बोला गया देविड वर्ड है कोविड के बाद रिकवरी कैसे प्लान करना है जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट क्या है इन सब चीजों पर भी यहाँ पे बात हुआ इंडो पैसिफिक एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्वाड एक इम्पॉर्टेंट पिलर है और जापान के साथ जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है सो so, ये जो विजिट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स सर्कमस्टांसिस हैं उसके बिहाफ में चाइना और साउथ एशिया में कोविड के, के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम फॉलो करेंगे और कल हम इंडिया जापान रिलेशन पे एक नोट तैयार करेंगे ओके सो दिस इज इंडिया जापान सेट टारगेट ऑफ दिस मेनी बिलियन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैव टैकल्ड टेरर थ्रेट यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब ने बताया एट्टी थर्ड सी डे था जम्मू कश्मीर में सो अचीवमेंट हैज कम दिस सो सी जो है क्रूशियल रोल है मेंटेनिंग द कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल जीएस में हम पढ़ते हैं ना इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी सो दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नेक्स्ट है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गिव्स जिटर्स टू ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है इसने इम्पैक्ट किया है सप्लाई चेन को इंडियन इंडस्ट्री वेट एंड वॉच मोड में है ज्यादातर लोग अभी वेट एंड वॉच मोड में है बिकॉज यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का भी क्या डायरेक्शन है इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है इससे इम्पैक्ट डेफिनेटली हो रहा है सेमी कंडक्टर सप्लाई में रिमेंबर सेमी कंडक्टर सप्लाई ऑलरेडी डिफिकल्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन एंड लॉजिस्टिक्स इश्यू रशियन क्राइसिस ने इसको और वर्जन कर दिया है रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरली इन दोनों कंट्रीज से आता है जैसे न्योन गैस केमिकल सी फोर एफ सिक्स और पेलेडियम ये क्रिटिकल है सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो दिस थिंग कम्स फ्रॉम हियर अब इसका सप्लाई शॉर्टेज हुआ तो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिफिकल्ट हो गया है

तो वॉट इज द टेक अवे की पैलेडियम और दिस न्यू गैस जो यूक्रेन रशिया से आती है इसका रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है और इसके कारण जो सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन है वो हिट हुआ है न्यू प्रोडक्शन भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि हमने एक ही दिन में उसका प्रोडक्शन रैंप अप कर लिया थिंग्स टेक्स टाइम तो द पॉइंट इज वर्ल्ड अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं था यूक्रेन रशिया क्राइसिस में और इसीलिए ये इमिजिएटली शॉक लगा है सेमी इंडस्ट्री में तो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टिट्स जिटर्स टू ट्रॉनिक सेक्टर बिकॉज सेमी इन सब जगह पे वाइडली यूज होते हैं जियोग्राफी गिव्स इंडिया एन एडवाज ने कहा बिल्डिंग कैपेसिटी टू काउंटर वॉट एवर कैपेसिटी चाइना है ओपन एरिया है हमारा बैकयार्ड है और यहाँ पेमिनेंस इंडिया जो यहाँ पे अचीव कर सकता है बिकॉज इंडियन ओशन इंडिया के नाम पर है तो दिस इज अवर लाइक बैकयार्ड और जो ओशियन है ये अनएक्सप्लोर्ड है लैंड में तो आ गया है तो ओशन पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है तो ये फ्यूचर रोड मैप है इंडियन ओशन चाइनीज कोस्ट लाइन भी एटीन थाउजेंड किलोमीटर की है द पॉइंट इज इंडिया को इंडियन ओशन पे अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करना जरूरी है एंटी सबमरीन वॉरफेयर केपेबिलिटी सबमरीन क्या होती है सबमरीन होती है पानी के अंदर सबमरीन ये शिप है पानी के अंदर जो सबमरीन है उसको डिटेक्ट करना न्यूट्रलाइज करना दिस इज एन इंपॉर्टेंट वॉरफेयर केपेबिलिटी ये डिटेक्ट करें स एंड सर्वेलैंस एयरक्राफ्ट जो है ए एस डब्ल्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर इधर हम अपना सर्वेलेंस कैपेसिटी बढ़ाएं नेवी ने इंडक्ट किया है ट्वेल्व पी एट आई लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएस ट्वेल्व पी एट आई लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम यू एस देन इसके अलावा ट्वेंटी फोर एम एच सिक्सटी आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी लिए दिस इज पी एट आई लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट ट्वेंटी फोर रोल हेलीकॉप्टर देन नेवी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया टू टू ब्रिंग इन इन चाइना हेल्प देम देयर ग्रोथ नेवी सेवरल जो कंट्रीज हैं इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में पैसिफिक में एक्चुअली चाइना से सब थोड़े अप्रीहेंसिव ही रहते हैं बिकॉज चाइना का जो डिजाइन है एक तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी यूज करता है देन शी जिनपिंग का जो डॉक्टर मिलिट्री हेजमनी एस्टेब्लिश करने का इससे जो नेबरिंग लिटोरल स्टेट्स हैं वो एप्रीहेंसिव फील करते हैं तो आई वुड लाइक टू सबमिट दैट वी आर ऑल्सो एंगेजिंग विद द सेम नेशन बिल्डिंग देयर केपेबिलिटी जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल अप्लाई करने का भी बात किया था तो जैसे एशियान कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के भी रिम कंट्रीज है इनके साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन यहाँ पे है ट्रेनिंग है डिफेंस पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात है तो ये यह इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं जियोग्राफी गिव्स इंडिया एन एडवांटेज अब इसमें इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है वो ब्लेस्ड है इंडिया को इस एरिया में ये लो हैंगिंग फ्रूट है हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करना जरूरी है काउंटर चाइना बिकॉज अभी जैसे ऑयल का भी हमने देखा सारे इंपॉर्टेंट सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन इस इंडियन ओशन के थ्रू ही पास हो रहे हैं माउंटेन रोड टेक दम होम सीजनल शिफ्ट है व्हीकल्स पास हो रहे हैं जोर्जिला पास है, ये कहाँ पर है श्रीनगर लेह हाईवे है जॉर्जिला पास 108 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर है तो ये अभी क्लोज था स्नो फॉल में अभी फिर से ये ओपन हो रहा है बींग क्लोज है रीओपन हो रहा है अभी दिस इज स्टडी रिवील्स मेजर डिक्लाइन इन गोल्डन लंगूर हैबिटेट इज इज दिस दिस गोल्डन लंगूर इंडिया में फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन है गोल्डन लंगूर की असम में तो ये इसका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है जितना भी एनिमल स्पीशीज डिक्लाइन होता है ना वो होता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हैबिटेट मतलब उनका घर ना रहेगा जंगल तो फिर लंगूर भी नहीं रहेगा सो द पॉइंट इज जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उसको हमें चेक करना जरूरी है अगर हम स्पीशीज कंजर्वेशन ट्रू सेंस में करना चाहते हैं एलिफेंट्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है टाइगर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है राइनोसोरस के साथ भी सेम प्रॉब्लम है इनका घर डिस्ट्रॉय हो रहा हैबिटेट तो एन एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रांस बाउंड्री रीजन ऑफ भूटान एंड इंडिया में ये है गोल्डन लंगूर एक रीसेंट पेपर है फ्यूचर सिम्युलेटेड लैंडस्केप प्रिडिक्ट किया है हैबिटेड लॉस फॉर द गोल्डन लंगूर एक रेंज लेवल एनालिसिस है फॉर एन एंडेंजर्ड प्राइमेट एंडेंजर्ड प्राइमेट ओके तो ये लाइट थ्रो कर रहा है कि इनकी पॉपुलेशन प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है एरियाज इसके प्राइमरली यहाँ पर हैं है चिराग कोकरुबरी बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम प्रॉब्लम अगेन एक ही है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है हैबिटेट स्कैटर्ड हो रहा है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यही बोल रहा है बिकॉज ऑफ दैट लंगूर का पॉपुलेशन कम हो रहा है अब द आइडिया इज इसका कंजर्वेशन करना है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना पड़ेगा हैबिटेट कंजर्वेशन करना पड़ेगा कि जहां पर ह्यूमन लंगूर कॉन्फ्लिक्ट भी एक्चुअली क्या होता है अगर लंगूर को अगर फॉरेस्ट में फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं फूड नहीं मिल रहा है तो ये लंगूर आप देखना जो पेरीफरल एरिया है बफर एरिया है वहां पर ये ह्यूमन सेटलमेंट के पास आने लग जाते हैं और फिर उससे होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सो अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है देन ऑल्सो ये जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर लंगूर का पॉपुलेशन करेक्ट करना जरूरी है तो लैंड यूज चेंज विल बी मोर फैटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्डन लंगूर than ह्यूमन induced क्लाइमेट चेंज तो ये जो एरिया है यहाँ लंगूर का जो पॉपुलेशन है स्टेबिलाईज तब होगा जब यहाँ पे प्रॉपरली हैबिटेट को कंजर्व करेंगे जैसे टाइगर के लिए भी बात होती है प्रे बेस होना जरूरी है चीता री इंट्रोडक्शन की बात है बट उससे पहले वहां पे उसका प्रे बेस बनाना पड़ेगा वरना चीता को फीड क्या करेंगे दीज आर द सर्टन चैलेंजेस तो गोल्डन लंगूर जैसी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए भी मानस नैशनल पार्क में है यहाँ का जो नेशनल पार्क और हैबिटेट है उसको कंजर्व करना जरूरी है मेजर डिक्लाइन इन गोल्डन लंगूर है और गोल्डन लंगूर ही नहीं ऑलमोस्ट हर स्पीशीज का पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है और रीजन एक ही है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और वो भी एंथ्रोपोजेनिक सो दिस इज दिस न्यूज रशिया क्लेम्स हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है बाइडन एन शी ट्रेड वार्निंग्स ऑन यूक्रेन ताइवान इन वीडियो कॉल यूक्रेन एंड ताइवान रशियन ट्रूट पुश डीपर इन टू तो रशिया अगेन यहाँ पे स्टैंड ले रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है यहाँ पे आफ्टर टू ईयर्स म्यांमार टू वेलकम इंटरनेशनल टूरिस्ट म्यांमार में दो चीज़ें हुई थी एक तो मिलिट्री को और दूसरा था कोविड नाइन्टीन अब इन दोनों का मिलिट्री तो अभी भी है बट जो कोविड नाइन्टीन के केसेस कम हुए तो अब ये इंटरनेशनल टूरिस्ट वेलकम कर रहा है ओके मीन वाइल चाइना में भी कोविड नाइन्टीन के केसेस बढ़ रहे हैं और ये बाइडन एंड एक्चुअली चाइना भी ताइवान को अपने में कंप्लीटली इंटीग्रेट करना चाहता है और ये सारी टैक्टिक्स है मिस्टर शी ट्रेड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज जो बात है वो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू वायरस वेरियंट सीन्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वायरस क्या होता है दो वायरस मिलकर एक नया वायरस भी मॉडिफिकेशन हो जाता है म्यूटेशन हो जाता है तो देट इज वाई सार्स कोव टू के लिए जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी भी है जो आगे हम आई पी आर में देखते हैं वैक्सीनेशन एक पर्टिकुलर वेरिएंट पे इफेक्टिव है ओमिक्रॉन पे बहुत सारी वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो थी नहीं तो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी भी हम कैसे बनाएं बिकॉज दिस वायरस इज इवॉल्विंग अगर जैसे अल्फ़ा और बीटा अल्फा डेल्टा और ओमिक्रॉन का कोई मिक्स वेरिएंट आ गया देन वॉट ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं कोविड नाइनटीन एंड दिस कोविड नाइन्टीन वायरस में अभी बहुत ज्यादा डील नहीं करना चाहिए अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है जैसे लेटेस्ट अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि मिक्सर हो गया है टू ओमिक्रॉन सब लीनियज का दिस इज दैट ये अफ्रीका एम्स हाई हाय स्पीशीज e महत्वपूर्ण स्पीशीज अफ्रीका में हैव नॉट हैड देयर जीनोम सीक्वेंसिंग जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है हमारी बॉडी जीन से बनी है जेनेटिक्स है इस पूरे को हम आइडेंटिफाई कर लें रिकॉर्ड कर लें दैट इज कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग तो अगर जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तो हम स्पीशीज का बैक लीनियज भी पता लगा सकते हैं हम ये भी पता लग लगा सकते हैं इसका इवोल्यूशनरी पैटर्न कैसा हुआ थ्रेट कैसा हुआ देर आर सो मेनी थिंग्स अभी कंप्यूटर प्रोग्रेस इतनी बढ़ गई है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में भी पहले जितना टाइम लगता था अब नहीं लगता है एडवांस दिस हम हम कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि रिसर्चर्स ने बताया बहुत सारे जो स्पीशीज हैं उनका अभी जीनोम सिक्वेंसिंग नहीं हुआ अफ्रीकन बायोजीनोम प्रोजेक्ट है मल्टीपल जीनोम्स यहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स एनिमल फनजा इन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग करने की बात है ये रिकॉर्ड लो हाई है अगेन स्टोरीज सेम क्लाइमेट चेंज के कारण अंटार्कटिक सी मेल्ट हो रहा है लोवेस्ट मिनिमम पे श्रेंक हो गया है सिंस 1979 और ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ये हमने रिकॉर्ड किया वाया सैटेलाइट तो दिस इज देयर की विंड्स भी हो रही हैं यहाँ पे और इसके कारण आइस वार्मर वाटर्स में पुश हो रहा है और फिर वो मेल्ट हो जाता है ये जो आइस मेल्ट होगा इससे क्या होगा सी लेवल राइज होगा सी लेवल राइज होगा तो जैसे इंडोनेशिया की जकार्ता कैपिटल डूब रही है ऐसे बहुत सारे नए जो कोस्टल सिटीज हैं वो लिस्ट में नई इस लिस्ट में आ सकते हैं जो डूब रहे हैं सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी और बिकॉज अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट भी होते हैं तो इससे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पे भी एक सिवियर इम्पेक्ट आएगा अब ये ट्रांसमिशन ऑफ कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन रेयर इन बेबीज ऐसी थ्योरीज आती है अभी एक थ्योरी ने ये बताया कि जो बच्चे हैं उनपे कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन इतना नहीं है बट इन सब थ्योरीज का भी पता है यूटिलिटी नहीं है कोविड नाइनटीन हम डे वन से पढ़ रहे हैं और डे वन में हमने देखा है अलग अलग थ्योरीज आती है नेरेटिव आती है कुछ गलत हो जाती है विद ओवर द टाइम कुछ आगे कैरी हुई है सो दैट इज़ बाय इन सब में बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम एंड एन एनर्जी इसमें जो सवाल हमें करना था वो इम्पॉर्टेंट था कि हम वैक्सीनेशन जो इंडिया में अवेलेबल है उस पर एक नोट तैयार कर लें और उसकी जो टेक्निक है मैन्युफैक्चरिंग उसको समझ ले एम अलग है फुल वायरस अलग है डेड वायरस अलग है अडीनो वायरस अलग है लाइक like दैट तो वो हमने आंसर राइटिंग कर लिया अब बहुत ज्यादा इसमें ड्वेल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये जो न्यूज है अभी भी वेल well एस्टैब्लिश नहीं है डू लुक्स को रिलेट विद केयर गिविंग इन फ्रॉग्स एंड टूट्स तो अब एक स्पीसीज में ऐसा देखा गया है कि अगर मेल लुक्ड सिमिलर टू फीमेल्स वर लाइकली टू केयर फॉर दर दिस इज पेटरनल केयर लेसन द वेव इन चाइना यही है मॉस्किटोज भी, भी क्या हो गए स्मार्ट हो गए तो जॉन्स होपकिंग मेडिसिन का एक साइंटिस्ट रिपोर्ट ने बताया कि फ्रूट फ्लाइज मॉस्किटोज्लाईज अनलाइक फ्रूट फ्लाईज मॉस्किटोज है ये जो स्मेल है ऑर्डर सेंसिंग नर्व सेल्स को शट डाउन करते हैं तो उनको स्मेल आएगा ही नहीं स्मेल नहीं आएगा तो वो उसे इम्पैक्ट नहीं होंगे इन रेपेलेंट से तो उन्होंने शट डाउन कर दिया ऑर्डर सेंसिंग नर्व सेल शट्स डाउन वेन दो सेल्स आर फोर्स टू प्रोड्यूस ऑर्डर रिलेटेड प्रोटीन तो इससे क्या होता है इससे वो इग्नोर कर देते हैं कॉमन इंसेक्ट रेपेलेंट को तो मतलब इम्यून हो जाते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते इंसेक्ट रेपेलेंट का मॉस्किटोज ओके okay? अब ये है एफेक्यू एफ में पहला है ओवर लुकिंग रीजनेबल अकोमोडेशन इसमें जो हमने पहले देखा था वो था कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर कर्नाटका के हाईकोर्ट के ऑर्डर में बताया कि यूनिफॉर्म इज नेसेसरी अब इसका हमने सेकेंड एडिटोरियल देखा उसमें ये देखा कि जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है उसका क्या ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो दूसरी बात बताया कि कोर्ट में एक्चुअली अपील इस बात पे हुआ था कि रीजनेबल अकोमोडेशन हो रीजनेबल अकोमोडेशन हो कि अगर ये सर्टेन बिलीफ सिस्टम है तो क्या उसको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है इस बात पे था बट कोर्ट ने यहाँ पे जो व्यू पॉइंट लिया वो ये लिया कि यूनिफॉर्म जो होता है वो नेसेसरी होता है प्लस रिलीजन का जो फंडामेंटल टेनेट्स uh, है उसमें भी ये बताया गया कोर्ट के अकॉर्डिंग कि हिजाब इज नॉट लाइक मैंडेटरी सो द पॉइंट इज अब यहाँ पे जो बात है वो है रीजनेबल अकोमोडेशन का रीजनेबल अकोमोडेशन इज अ प्रिंसिपल

बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी हेल्थ कंडीशन और पर्सनल बिलीफ पे रीजनेबल अकोमोडेशन होता है आर्टिकल टू बोलता है अप्रोप्रिएट right मॉडिफिकेशन है यूनिफॉर्म होना चाहिए बट एक नेसेसरी अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है सो दैट डिसप्रपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन नहीं आए तो ये चीज यहाँ पे लिखा था पर्टिकुलर केस में इसको कंसिडर किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स के रहेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी ये बताता है कि रीजनेबल अकोमोडेशन हो सकता है डिसेबिलिटीज लाइक एच आई वी एड्स वर्ड ऑफ वर्क डिफाइंस एनी मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट टू जॉब और टू दर्क प्लेस जो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है एनेबल्स अ पर्सन विद दिस पार्टिसिपेट और एडवांस इन एम्प्लॉयमेंट पॉइंट इज हमें यहाँ पे एक्सक्लूजन नहीं करना है हमें यहाँ पे इंक्लूजन करना है तो इंक्लूजन के लिए सर्टेन चीजों में हम रीजनेबल मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट अलाउ कर सकते हैं से इन यूनिफॉर्म इस बात पर हाईकोर्ट पर यहाँ पे मैसेज गया अब हाईकोर्ट ने इसको सुना अब हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात आया कि जो प्रोविजन है यहाँ पे प्रोविजन जो है रीजनेबल अकोमोडेशन का वो यहाँ पे फिट इन नहीं होगा का ने बोला वेयरिंग को तो हाई कोर्ट ने किया रीजनल टू यूनिफॉर्म टू अकोमोडेट पर्सनल रिलीजियस बिलीव तो इस बात हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया है अब लेटेस्ट इसमें आगे क्या कैरी फॉरवर्ड होता है पॉइंट इज इक्वेलिटी नॉट ओनली इम्प्लॉइज प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बट गोज बियॉन्ड इन रेमेडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ग्रुप्स सफरिंग दिस डिस्क्रिमिनेशन तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग प्लस दूसरी तरफ फिर आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यूनिफॉर्म जो है उसका पर्पज ही क्या होता है यूनिफॉर्म का पर्पज ये होता है कि जैसे स्कूल में जो चिल्ड्रन है बच्चे कम एज के हैं इनमें एक सेंस ऑफ बराबरी हो सब तरीके से बराबरी हो किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो यूनिफॉर्म का बेसिक पर्पज ही यही होता है तो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है लेट अस सी इस डिसीजन में आगे क्या फाइंडिंग्स होती है इफ इट गोज सुप्रीम कोर्ट एंड देन वी विल अकॉर्डिंगली रिविजिट दिस थिंग फॉर नाउ हमें इसमें रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमें पता होना चाहिए हमें इससे रिलेटेड टेक्निकल चीजें जो है एस्पेक्ट्स डिफरेंट उसमें एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट होना चाहिए हमारा सो दिस इज इन एनवर स्कोप ये आईपीआर वेवर का पुश है डब्ल्यू टी ओ ने बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन द यूज ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन क्या हेल्प करेगा एक्चुअली जब कोविड नाइनटीन आया तो इनिशियली वैक्सीनेशन मॉडर्ना फाइजर लेके आ गए एम आर एन ने वैक्सीनेशन थी इनमें पेटेंट था इंडिया साउथ अफ्रीका ने दो हजार बीस में बुलाया क्लियरली रिमेंबर इस न्यूज को बहुत डिटेल में हमने देखा था आर्टिकल्स में इंडिया साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन तुरंत चाहिए तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ड्रॉप करो सो so देट हम वैक्सीनेशन बना पाए बट वर्ल्ड ने जो आ, जो वर्ड है वर्ल्ड की जो कंपनीज है उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम अब क्या है अब फास्ट फॉरवर्ड टू टूडे एक्चुअली ये वैक्सीनेशन वगैरह जो होती है मेडिसिन ये आता है ट्रिप्स के अंदर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है ये फैसिलिटेट करता है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन और मेडिसिन का भी एट टाइम्स इसमें वेवर मिलता है जैसे कोविड जैसी कोई महामारी है तो वेवर पॉसिबल है पहले भी मिला है इसी चीज को फिर से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने डिमांड किया था कि लोकल प्रोडक्शन हमें अलाउ करो वाइडर एक्सेस अफोर्डेबल इफेक्टिव वैक्सीनेशन का दो बट उस डिसीजन को डिले हुआ और अब जाके यूएस एंड वर्ल्ड की कंपनीज यहाँ पे बोल रही हैं कि वेवर मिल सकता है उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि इंडिया को एक्चुअली में वेवर मिलेगा नहीं मिलेगा दैट डिपेंड्स बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी मास स्केल में वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है अब अब बात है इसकी प्रैक्टिकलिटी का देखो पहली बात तो ये है जो एम और एडीनो वायरस वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी से वैक्सीनेशन बनी ये क्या अब इफेक्टिव हो रही है अगले वेरिएंट ऑफ वायरस के लिए नो बडीनोज तो ये वैक्सीनेशन का ही इफेक्टिविटी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चंस है सेकंड इस मीन वाइल हमने भी अपनी कैपेसिटी डेवलप किया इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोडक्शन रैंप अप हो गया है सर्टेन डोमेस्टिक वैक्सीनेशन भी आ गई है सो द पॉइंट इज उस टाइम पे हेल्प मिलता तो उसका यूटिलिटी भी होता आज अभी बहुत सारे लोगों को नेचुरल भी दिस इम्यूनिटी आ गया है प्लस इस स्टेज ऑफ टाइम पे जब कोविड नाइन्टीन भी ऐसा माना जा रहा है ऑन डिक्लाइन है ये जो उन्होंने किया है क्या ये एक लिप सर्विस है क्या एक्चुअल जो पर्पस होना चाहिए वेवर देने का वो डिफीट तो नहीं हो गया इन सब बातों पे है सेकंड वेवर आईपीआर देने से केवल प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाता है इसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी चाहिए होगा तो वो चीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत होगी तो ये फिर से अभी न्यूज में ऑल दो इस पे अभी डिसीजन नहीं आया है वी विल वेट बट ये जो आईपीआर का मुद्दा है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर का कभी भी ये मतलब नहीं हो सकता है कि व्हेन इट इज कमिंग टू लाइफ एंड डेथ देन यू से कि दिस इज आईपीआर दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इट सेल्फ डिफीट इट्स पर्पज यूक्रेन का जो वॉर है इसने रैटल कैसे किया इंडिया के बैंक को हमारे यहाँ डिफिकल्टी आ रही है डिफिकल्टी ये आ रही है कि एक तो सप्लाई साइड बॉटल ने कहा गया दूसरा दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है क्रूड ऑयल का डिफिकल्टी है सप्लाई डिफिकल्ट हो गया डॉलर राइज हो रहा है रुपी वीक हो रहा है डॉलर इसलिए राइज हो रहा है बिकॉज सब सेफ करेंसी की तरफ भाग रहे हैं डॉलर और गोल्ड सेफ करेंसी होती है वॉलिटिलिटी नहीं होती कंपेरेटिवली रुपी हायर इनपुट कॉस्ट हो रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर ने इंपैक्ट किया है प्रोडक्शन मूवमेंट वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉमोडिटी का यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल हम बुलाते हैं इंडिया में इसका सप्लाई बंद हो गया देन जैसे अभी सेमीकंडक्टर देखा अपन ने नियोन एंड पैलेडियम रशिया के साथ भी हमारे ट्रेड टाइज हैं उधर सेंशन का थ्रेट आ रहा है सो द पॉइंट इज इन सब की में इकोनॉमी हमारी अगेन हिट हो रही है इंडियाज लैंडर्स ऑलरेडी बीन स्ट्रगलिंग टू कोप विद एन ओवर बैड लोन और कोविड नाइनटीन पैंडमिक और अब आ गया ये रशियन यूक्रेन क्राइसिस तो इस पूरे टॉपिक में यही लिखा है कि ईस्टर्न यूरोप अफेक्ट इंडिया इन दिस डोमिनो इफेक्ट हुआ तो और ज्यादा इम्पैक्ट होगा कल ही हमने देखा था इंडियन टी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है सो दीज ऑल थिंग्स जो है इसके कारण डिफिकल्टी यहाँ पे आ रही है ओके सो दिस इज अब ये है एनपीपीए एनपीपीए क्या होता है एनपीपीए बेसिकली नेशनल फार्मेक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये बेसिकली बताती है कि अपर सीलिंग भी लगा सकती है इससे ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए सेकेंड वेव कोविड में हमने देखा था प्राइसिंग फिक्स की गई थी प्राइसिंग इन द सेंस कि अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है होर्डिंग हो रही है एसेंशियल ड्रग्स का तो एन पी स्टेप किया था स्टेप इन किया था तो फार्मा लॉबी बोल रही है कि बिकॉज टाइम के साथ इनपुट कॉस्ट भी बढ़ता है तो जो कॉस्ट है शेड्यूल्ड ड्रग्स का जिसमें एन कैप लगा देता है उसमें टेन परसेंट राइज करने का प्रोविजन होना चाहिए May have to pay more for and अगर एन पी पी ए ने दस प्रतिशत राइज किया ड्रग्स का नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल है ये अंडर प्राइस रेगुलेशन पे होती है जो एसेंशियल मेडिसिन है नेशनल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर फिफ्टीन परसेंट ऑफ द फार्मा मार्केट आर अलाउड टू इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट एज पर डब्लू पी आई जैसे साल भर साल डब्लू पी आई इंडेक्स बढ़ा होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी तो पंद्रह प्रतिशत ऐसी मेडिसिन होती है जो डब्लू पी आई के थ्रू डब्लू पी आई को फॉलो करती है डब्ल्यू पी आई बढ़ेगा कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो फार्मा जो मेडिसिन है वो भी बढ़ेगी फिफ्टीन परसेंट मेडिसिन ऐसी हैं एट्टी फाइव परसेंट ऐसी है जो है, मतलब 10 उनका प्राइस आप बढ़ा सकते हो हमें WPI नहीं करना है तो ये एन एल ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कुछ ऑटोमेटिक है और कुछ डब्ल्यू पी आई पे डिपेंडेंट है एन पी पी ए नाइनटीन सेवन में सेटअप हुआ था ये फिक्स करता है बल्क ड्रग्स की प्राइसेस को प्राइसेस अवेलेबिलिटी वगैरह प्राइस कैसे कलेक्ट होगा क्या डिसाइड होगा तो उसके लिए वो डेटा कलेक्शन भी करता है प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सब चीजों को देखता है कितना प्राइस ऑफ बल्क ड्रग जैसे रॉ मटेरियल बढ़ गए ट्रांसपोर्ट बढ़ गया फ्रेट रेट्स बढ़ गया यूटिलिटी फ्यूल पावर डीजल चेंजेस हो गए टैक्स एंड ड्यूटी तो इससे प्राइस राइज होता है जो कॉस्ट है राइजेस फॉर इंपोर्टेड मेडिसिन विद एस्केलेशन इन इंश्योरेंस एंड फ्रेड प्राइस भी हुआ रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो ये सारी चीजों का ना कंबाइंड इफेक्ट ये आ रहा है कि महंगाई आ रही है महंगाई आ रही है तो मेडिसिन में प्राइस बढ़ाने की डिमांड कर रही है फार्मेसी एजेंसी एनुअल हाइक है डब्ल्यू पे है और कुछ टेन ऑटोमेटिक रूट पे है एनएलई एम जो है वो ड्रग्स देखता है यूज टू ट्रीट फीवर इन्फेक्शन हार्ट डिसीज हाइपर टेंशन एनीमिया एटसेट्रा और कॉमनली यूज मेडिसिन लाइक पैरासिटामोल एंड अजिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा तो ये पूरा टॉपिक क्या है ये बता रहा है वॉट इज एन पी पी ए दो टाइप से डिसाइड होती है एक पंद्रह प्रतिशत के ब्रैकेट वाली जो डब्ल्यू पी आई फॉलो करेगी और एक है एट्टी फाइव परसेंट जिसमें ऑटोमेटिक टेन परसेंट राइस हर साल इंक्रीज हो सकता है एन एनपीपीए एनपीपीए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखता है और इस तरीके से आगे बढ़ता है दी सेंटर ऑफ यूक्रेनियन रेजिस्टेंस अब ये जो टॉपिक है यहाँ प्राइमरली ये है कि अभी तक कीव पे अभी रशियन कंट्रोल नहीं है और यहाँ इधर इतनी फाइट्स चल रही है प्राइमरली हमें यूक्रेन का अगर सवाल आया भी तो यूक्रेन की जोग्राफी पता होनी चाहिए मैप लोकेशन जैसे ये यूक्रेन है ये वाला जो एरिया है दिस रेड ये है क्रीमिया ये ब्लैक सी है जोव है देन ये रशिया है यूक्रेन के यहाँ पे आता है बेलारस इधर है पोलैंड स्लोवेकिया देन दिस इज हंगरी रोमानिया मालोवा ये है यूक्रेन यूक्रेन आता है ईस्टर्न ये सब ईस्टर्न यूरोप है ईस्टर्न यूरोप ओके तो रशियंस इन यूक्रेन डिस्ट्रक्शन हो रहा है रशिया के अगेंस्ट हम यहाँ पे स्टैंड नहीं लिया अपन ने यूएनएससी में भी नहीं बोला बट दैट ड मीन कि यहाँ जो लॉसेज हो रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया हमेशा एक ही चीज बोलता है पीसफुली डायलॉग के थ्रू ये रेजोल्यूशन होना चाहिए ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू राइज दिस ईयर अब सी यूएस खुद एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है तो यूएस को भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल क्राइसिस यूएस एक बहुत बड़ा वॉर वॉर वेपन्स का भी एक्सपोर्टर है इंटरनेशनल ट्रेवल्स मोर फ्लाइट प्राइस ऑप्शन कैनेडा फ्रेमवर्क इन्वेस्टर मीट है रशिया का बैंक लॉ जो कंपनी छोड़ रही है, है, ये मैंने पूरा लिस्ट पे किया है। इनके एक जनरल आइडिया होना चाहिए एंड स्टार्स प्लेयर्स ही नहींचेज भी है जैसे कोच ऑफ द इक दैट वी शुड है Idea. Then, this is sports, और इसके बाद ये स्टेप फॉर ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर जैसे हैदराबाद है ना यहाँ वगैरह का बड़ा कल्चर है ये टैंक्स हैं ऐसे तो इस तरीके के स्टॉप वेल वेल बहुत मिलते हैं है, हैदराबाद में रिजुवेटेड है इस से। ओके तो यहाँ पे अब अगेन पुश हो रहा है, हैदराबाद में अभी फ्लड्स भी आए थे लास्ट ईयर तब हमने पढ़ा था ये जो बाउलीज है स्टेप वेल्स है डैम्स है रिजर्व वॉयर है ये एक्ट एज अ बफर तो अभी तेलंगाना हैदराबाद इस पूरे एरिया में यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात है टैंक्स को रिजुवनेट करने की बात है और इधर वर्क चल रहा है सो ये टैंक्स हैं जैसे ये है, जैसे दिल्ली में भी है उग्रसेन की बाउली वगैरह तो आर टैंक्स ये टैंक्स हैं ये बड़ा बाउली है कुली कुतुब शाह डायनेस्टी ने बनाया था आगा खान ट्रस्ट रिसेंटली इसको देख रही है सो दीज आर स्टेप वेल स्टेप वेल ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस एंटायर इरीगेशन का एंड वाटर कंजर्वेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही हम इन सब में बहुत एक्टिवली हमने इसमें वर्क किया है जैसे धोलावीरा का हम देखते हैं धोलावीरा यूनेस्को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हुआ तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ओके सो दिस इज द पेपर फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ